दोस्तों मर्सिडीज की एक क्लास लेमोजीन मर्सिडीज की सबसे सस्ती और एक अफोर्डेबल कार है अगर आपको एक सस्ती मर्सडीज चाहिए आपका बजट ज्यादा नहीं है मैक्स टू मैक्स पचास लाख रुपए तक जाता है तो आप मर्सीडीज की ए क्लास लेमोजीन ले सकते हो ये बहुत ही बढ़िया कार है क्योंकि इसके अंदर आपको सेफ्टी लग्जरियसनेस परफॉर्मेंस का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन मिल जाता है और पचास लाख रुपए आपके वर्थ है क्योंकि इसके अंदर आपको जो कंफर्ट और लग्जरी मिलेगा वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है और रिसेंटली एक अपडेट के साथ आ है तो यहाँ पे हल्के फुल्के आपको चेंजेस भी मिल जाते हैं सबसे पहले प्राइसिंग की बात करूँ क्योंकि मैं कह रहा हूं ये कार अफोर्डेबल है इसका एक्शरूम प्राइस आपको 43 लाख रुपीज तक पड़ता है और ऑन द रोड मानो लगभग लगभग 50 लाख रुपए तक ये कार आप पड़ जाती है जिससे इंडिया की सबसे सस्ती मर्सिडीज कार बन जाती है और ये कार सिर्फ दो ऑप्शंस के साथ आती है पेट्रोल और डीजल जी हाँ इन बड़ी गाड़ियों में आपको डीजल इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं और सिर्फ ऑटोमेटिक ऑप्शंस मिलेंगे मैनुअल में ये कार नहीं आती है और ऑब्वियसली डीजल जो मॉडल है वो पेट्रोल वाले से थोड़ा सा महंगा आपको पड़ेगा अपडेट की बात करें तो यहाँ पे चेंजेस हो रखे हैं गाड़ी के इंटीरियर में और एक्सटीरियर में कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको सत्रह इंच के नए एल व्हील्स मिलते हैं जिससे एक अच्छा रिफ्रेशिंग लुक मिलता है कार और बढ़िया लगती है बाकी फ्रंट में इसका जो ग्रिल का डिजाइन है उसे थोड़ा चेंज कराया गया है बाकी इसके बंपर में और हेडलाइट में ऐसा कोई चेंज नहीं है अभी भी सेम वैसी है ऑटोमेटिक हेडलाइट का फंक्शन आपको मिल जाता है डी की भी फंक्शन मिलेंगे और फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स अभी भी आपको मिलते हैं और फ्रंट का लुक अगर गौर करोगे थोड़ा एक शार्क जैसा मतलब एक एग्रेसिव शार्क जैसा लुक लगता है थोड़ा एक स्लोपी टाइप में लेकिन अगर पीछे का लुक चेक करेंगे तो अब जो फेसलिफ्ट आ रखा है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है पीछे की टेल लाइट और बंपर को चेंज कर रखा है नया लुक दे रखा है पीछे की टेल लाइट भी आपको प्रॉपर एलईडी में मिलती है और जो बूट स्पेस है इसमें आपको फोर लीटर की स्पेसिंग मिल जाती है तो अच्छा खासा स्टफ इसके अंदर कैरी कर सकते हो बाकी पीछे भी आपको पार्किंग सेंसर और कैमरा का ऑप्शन मिल जाएगा बाकी इस कार के कारमेंशन है वो काफी अच्छे हैं बहुत छोटी भी नहीं है बहुत चौड़ी भी नहीं है परफेक्ट है पर एक बात और इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस है ऐसा नहीं कि बहुत ही कम है जितना हमारी नॉर्मल सीडाइंस जैसे होंडा सिटी वरना होती है उन्हीं के ऐसा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको मिलेगा वन सेवेंटी एम का तो ठीक है मतलब बड़े बड़े गड्ढों में तो इस कार को टकराने का डर बहुत ईजिली जैसे हमारी नॉर्मल सीडाइंस का रहता है लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ही कम है कहीं भी, भी टकरा जाएगी क्योंकि वर्ट उसको देखेंगे तो उसका वन हंड्रेड एटी mm एम ग्राउंड क्लियरेंस है तो उससे सिर्फ दस एम एम ही कम है और वारंटी की बात करें भाई बड़े ब्रांड लेने का फायदा यही होता है कि यहाँ पे आपको वारंटी और आपको जो रोड साइड असिस्टेंस एस, होते हैं और जो चीजें होती हैं बहुत अच्छे से मिलती हैं क्योंकि इस कार में आपको और है और इंजन की बात करें तो इसमें अगर देखा है पेट्रोल डीजल इंजन आते हैं पेट्रोल में आपको चौदह सीसी का टर्बोचार्ज फोर सिलेंडर इंजन मिलता है और डीजल की बात करें तो वहां पे आपको 2000 सीसी का फोर सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन मिल जाएगा पेट्रोल में वन

कंपनी यहां पे 21 का माइलेज कहती है डीजल मॉडल में और अठारह का माइलेज कती है पेट्रोल वाले में लेकिन शहर के अंदर आपको उतना कुछ अच्छा माइलेज नहीं मिलेगा हाँ हाईवेज हाँ, में आप अच्छा खासा माइलेज इनसे निकाल लोगे लो बात यहाँ पे ज्यादातर लोगों को ये लगती है कि ये गाड़ी सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है इनमें अगर रेल व्हील ड्राइव मिल जाता तो काफी बढ़िया रहता है क्योंकि अगर आपको रेल व्हील ड्राइव कार चाहिए तो उनके लिए आपको काफी अच्छा खासा पैसा फूकना पड़ता है मतलब अगर आप और भी महंगे इनके जो ए एम जी वर्जन है उनमें जाओगे जो इनकी कॉस्टिंग आपको साठ लाख रुपए तक पड़ती है या फिर आप और महंगी महंगी गाड़ियों में जाओगे तो उन्हीं में आपको रेल व्हील ड्राइव के ऑप्शन मिल पाते हैं छोटी गाड़ियों में जो इनकी सस्ते व मॉडल होते हैं उनमें आपको फ्रंट का ही ऑप्शन मिलता है लेकिन असली मजा इस कार के अंदर अंदर है 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 क्योंकि जब दरवाजा खोलते हो अंदर जाते हो जाते तो तो इसका इंटीरियर बहुत 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 ही अच्छा प्रीमियम लग्जरी ऊपर आप देखो तो सनरूफ मिलती है आपको मतलब के एक बड़ी सी का मजा मिल जाएगा। जो इसकी की लाइट्स को आप यहाँ सेट कर सकते हो और इंटीरियर बहुत प्यारा लगता है इसमें जो सेंट्रल डैशबोर्ड है उसको थोड़ा सा चेंज करा है इसकी स्पेशली जो टच स्क्रीन है उसमें अपडेट करे गए हैं उसका डिज़ाइन थोड़ा सा और अच्छा बनाया गया और स्लिकी कराया गया है ताकि और बढ़िया लगे मॉडर्न लगे टच स्क्रीन इसकी जो है वो 10.25 पॉइंट टू की है एंड्रॉइड एप्पल दोनों को सपोर्ट करती है मेरा लिंक का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा वाइड वाली है ये और इसमें आपको सिक्स प्लस स्पीकर्स मिल जाते हैं और म्यूजिक क्वालिटी इस कार की बहुत ही अच्छी है मतलब बड़े ब्रांड्स में अगर आप जाते हो ना तो उनमें आपको काफी अच्छी म्यूजिक क्वालिटी मिल जाती है क्योंकि इंदर सिस्टम जो लगाते हैं ये लोग बहुत प्यारे होते हैं सराउंडिंग जैसा फंक्शन भी इसके अंदर आपको मिल जाता है सीट्स की बात करें जो की मेन चीज है बहुत ही कंफर्टेबल है लंबे टूर्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती इन गाड़ियों में अगर आप इसे अगर सौ डेढ़ किलोमीटर एक साथ लगाते हो इन गाड़ियों में तो ऐसा कुछ पता नहीं चलता बहुत इजिली निकल जाता है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स आपको मिलेंगी और वेंटिलेटेड सीट्स आपको ही मिलती है और चारों दरवाजों में ऑब्वियसली आपको वंटेज, डाउन अप का फंक्शन भी मिल जाता है और व्हील देखें बहुत ही प्यारा है लेदर रैप के साथ मिलता है बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही स्मूथ है कोई दिक्कत नहीं है टेल टेलीस्कोपिक दोनों के फंक्शन आपको मिलते हैं स्पीडोमीटर में देखें तो वो ही पूरा डिजिटल है बहुत अच्छा लगता है इसमें इनके अंदर एनिमेशन जो थीम जो है ना बहुत स्मूथ है बहुत शार्प भी है अच्छे लगते हैं और आप सभी लोग सोच रहे हैं सेफ्टी भी अच्छी होगी जी हाँ सेफ्टी भी डेफिनेटली इन गाड़ी में अच्छी मिलेगी यहाँ पे आपको हर चीज का बैलेंस कॉम्बिनेशन मिलता है ढेर सारे एयरबैग्स मिलेंगे एबीएस ईबीडी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम की सारे जो भी फंक्शन है सब इसके अंदर आपको मिल जाते हैं लेकिन इसका असली मजा गाड़ी के आगे वाली सीट में नहीं पीछे वाली सीट में क्योंकि पीछे कंफर्ट बहुत ही अच्छा मिलता है इनमें रूम स्पेस सब कुछ आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा जो भी आपको ए सीवेंट सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं एक लग्जरी कार बहुत ही बढ़िया है क्योंकि अगर आप 50 लाख रुपए इस कार के अंदर लगाते हो इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे एक अच्छा कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा कहीं भी भी आप जाओगे तो एक रिच फील आपको मिलेगी और मेरे हिसाब से इसका पेट्रोल मॉडल लेना सही है क्योंकि वो डीजल के मुकाबले थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है माइलेज में भी ज्यादा अंतर नहीं आता है और कंफर्ट आपको वैसा ही मिल जाएगा तो जरूर बताना बाकी हमें फ्यूचर में मौका मिलेगा तो इस कार का भी हम रियल लाइफ रिव्यू जरूर करेंगे तो उसके लिए हमारे चैनल में बने रहना और वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बहुत जल्द मिलते हैं जय हिंद वंदे मातरम